अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर है। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर हाउस पहुंचे हैं। इससे पहले 15 जीआरजी गए थे अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में। कई नेताओं ने उनसे मुलाकात की है। जोधपुर हाउस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इससे पहले 15 जीआरजी में थे। जोधपुर हाउस में भी कई नेताओं ने मुलाकात की है, जिनमें टिकट मिलने वाले उम्मीदवार भी शामिल रहे। और चलिए दिल्ली से दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, जोधपुर हाउस में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी है, किस तरह का उनका कार्यक्रम है, क्या कुछ वहां नजर आया? कि वो सुबह से 15 जीआरजी मौजूद है, सुबह से जोधपुर हाउस में मौजूद है। और जो बात अभी कही जा रही है 15 जीआरजी, तो 15 जीआरजी जाना था बैठक के लिए, लेकिन वो 15 जीआरजी की मार के वेणुगोपाल के आवास पर राजस्थान के नेताओं की बैठक चली। करीब 1 घंटा वो बैठक चली, जिसमें प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद थे, उसके अलावा खुद मुख्यमंत्री सचिन पायलट और वेणुगोपाल की टीम का आवास था, वो मौजूद थे। चारों लोगों ने फिर एक बार बैठक की। आज लगातार जोधपुर से लेकर कई उन लोगों ने मुलाकात, जिनकी टिकट फाइनल हो गई, जो धन्यवाद देने आए थे, और कई वो लोग जिनकी टिकट अभी तक फाइनल में अटकी है लेकिन फाइनल नहीं हुई। ऐसे कई लोग थे, जैसे संदीप चौधरी, जिनका जयपुर फाइनल चल रहा है, उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा अजमेर से आए हुए लोगों ने मुलाकात की, और बीकानेर जो प्रत्याशी है मदन मेघवाल, उन्होंने आके धन्यवाद दिया, उन्होंने मुलाकात की। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो जिनकी टिकट फाइनल हुई, उन्होंने मुलाकात की। लेकिन इस बीच में फिर वो पहुंचे लोधी रोड, जहां पर उनका आवास था वेणुगोपाल का, और केसी वेणुगोपाल के आवास पे राजस्थान के नेताओं की बैठक हुई। और अभी भी जो 6 बची हुई सीटें हैं जिन पर खींचतान जारी है, जैसे राजसमंद है, जैसे नागौर है, तो ऐसी कई सीटें हैं, अजमेर है, जिन पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। तो सहमति बनाने के लिए, फाइनलाइजेशन के लिए, जयपुर ग्रामीण में क्या कुछ होना चाहिए उसको लेकर एक बार फिर सारे नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद करीब 1 से 1.25 घंटे के बाद अशोक गहलोत वापस जोधपुर हाउस पहुंचे हैं। अभी जोधपुर हाउस मौजूद है, और अब बताया जा रहा है की शाम को उनके जाने का, जयपुर वापस जाने का कार्यक्रम है। यानी कि आज जो बैठक हुई है, उम्मीद है उसके नाम पे जहाँ पर खींचतान चल रही है वो लगभग उस पर सहमति बन गई होगी, पर वो सूची फिर राहुल गांधी के पास भेज दी जाएगी। चलिए, शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो बैठक का दौर भी जारी है 15 जीआरजी में, लेकिन इस बीच जोधपुर हाउस में मौजूदगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तमाम नेताओं ने उनसे मुलाकात की, खासतौर से जो प्रत्याशी, जो उम्मीदवार जिनका नाम इस सूची में आ चुका है, 19 वो प्रत्याशी, उनमें से कई प्रत्याशियों ने मुलाकात कर धन्यवाद प्रेषित किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। उम्मीद ये की जा रही है कि जो 6 नाम है, 6 सीट बाकी है कांग्रेस की, उसमें भी सहमति बन गई है और कभी भी वो सूची भी सामने आ सकती है।